सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह सफर श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है और यही जीवन की मिठास है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसान इन दोनों मौके पे ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि सुबह 7:36 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 6:24 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:50 से 9:19 तक रहेगा। आज का भी मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 12:15 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। मिथुन राशि 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार आपके परिवार वालों को नजदीकी संबंधियों से होने वाली परेशानी के कारण आपको भी प्रतिबद्धताओं का सामना करना पड़ सकता है। ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे लेकिन आपको काफी प्रभावित करेंगे, इसीलिए इनके प्रभाव से बचने की कोशिश करें। आज आप कोई घरेलू उपयोग का उपकरण खरीदेंगी या घर के नियमित साफ सफाई के चलते कम उपयोगी सामान को बेच देंगी। नए संपर्क बनेंगे, इस समय आपके ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेगी लेकिन आप उचित व्यवस्था बनाकर हल भी निकाल लेंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। परिवार के साथ शॉपिंग में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, अपने साथियों को पहचाने, किसी भी जिम्मेदारी से ना डरें। वर्तमान में काम करने की आवश्यकता है, परिवार का कोई व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। फिलहाल किसी के साथ विवाद ना करें। करियर संबंधित उलझने बढ़ सकती है, चिंताओं से बचें। जैसे डर आपको है वैसा ही डर परिवार को महसूस होगा। बातचीत करके मामले सुलझाएं। सेहत में सुधार करने के लिए डॉक्टर से उपचार लें। सावधानियां, तनाव से खुद को दूर रखें। भाइयों के साथ अगर कोई विवाद है तो क्रोध न करें। आपसी सामंजस्य से सुलझाएं। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए योग मेडिटेशन का सहारा लें। बात करते हैं लव लाइफ की। खुशहाली पूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। अच्छा, आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज की जरूरत होगी। बहुत सारे मुद्दों पर बात ना करें क्योंकि इससे आपके संबंध की शांति भंग हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत छोटी छोटी असहमतियाँ भी गंभीर विवादों का रूप धारण कर सकती है। आज चुप रहना ही बेहतरीन उपाय होगा। शांति बनाए रखकर अपनी संबंध को सहज शक्ति से विश्वास रखें। सहज शक्ति में विश्वास रखें, मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज आप बहुत आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी अनिश्चितता को छुपा के रखें। भ्रम की अपनी भावनाओं को छुपा के रखें अन्यथा लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे और आप एक महत्वपूर्ण समझौते से हाथ धो सकते हैं। आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की जरूरत है ताकि आपका भाग्य ठीक और गतिमान रहे। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप में क्षमता है लेकिन आप में विश्वास की कमी झलक रही है जिसे दूर करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र, किसी नए काम के लिए की गई मेहनत में सफलता मिलेगी। ऑनलाइन बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा होने वाला है। पार्टनरशिप संबंधित कोई प्रपोजल भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट में सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत की।
सिर दर्द की समस्या हो सकती है। आज छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जैसे ठंड, खांसी, जुकाम या सिर दर्द आदि हो सकती है। कलाई व उंगलियों में भी दर्द महसूस कर सकती हैं। इससे आपका काम कुछ धीमा पड़ सकता है। निराश ना हो, यह सब तो चलता ही रहता है। संभव हो तो आप अच्छे से आराम कर लें, इससे आप कल काम करने के लिए तैयार हो पाएंगी। ठंडे पे पीने से बची। आज का उपाय, आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 बेल पत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग को अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।